भविष्य के अंतर्गत 25 जुलाई को शहीद भीमा नायक महाविद्यालय बड़वानी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा सेंट्रल पावर सेक्टर एंटरप्राइजेस NTPC के साथ समन्वय कर ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का फिल्म एवं नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा। श्री प्रेम सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री बड़वानी, शिवराज सिंह वर्मा कलेक्टर बड़वानी, कार्यपालन यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बड़वानी। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की के माध्यम से आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर? भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि इन्हें जो विगत वर्षों में भारत ने जो बिजली के क्षेत्र में उन्नति करी है वो आम जनता को उससे क्या लाभ मिला है, पहले किस चीज़ से वंचित थे वो, उसका लाभ उनको अब मिल रहा है और उसी को सभी आम नागरिकों को बताने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सर, ग्रामीण क्षेत्र का जो पहुँच में क्षेत्र है उसके अंदर कोई लक्ष्य है सर, कितना शेष है और कितने में बिजली अभी पहुँचाना बाकी है? बड़वानी क्षेत्र में वैसे जो राजस्व के जो गांव हैं 696 गांव है और उनके जो फलिये हैं उसमें 100% विद्युतीकरण हो चुका है पूर्व में, और अभी जो वर्तमान में जो कुछ जो रहवासी अपना है ना जो गांव में फलिये में से ने मकान वहां से हटाकर दूसरी जगह विस्थापित कर लेते हैं तो वो कुछ फलिये के जो टुकड़े हैं वो अभी इन्हें उनमें बिजली पहुंचाना शेष है और वह भी इन्हें अगले जो बजट के अनुसार कार्यक्रम निर्धारित होगा उसमें उनको भी बिजली विद्युत पहुंचाई जाएगी। सर, वर्षा काल के अंदर क्या है कि जो ट्रांसफार्मर में ख़राब होते हैं, फाल्ट आते हैं जो बारिश के कारण, तो सर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है पूर्ण निश्चित है सर? नहीं, हाँ, ट्रांसफार्मर अगर इन्हें बारिश के काल में भी जलता है तो हमारे यहाँ इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे में बदलने का और ट्रांसफार्मर की यह व्यवस्था हमारे पास में पूर्ण रूप से। मंत्री, आज कौन सा कार्यक्रम रहता है? देखो, उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य, जो भविष्य है आगे के लिए उसके सुधार के लिए आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो जिस प्रकार से काम हो रहा है और दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या को देखते हुए भी उसके लिए काम किया जा रहा है और जो काम हो रहा है वो काम वाकई में हम सब लोग देख रहे हैं। तो मंत्री जी, मेरा कहना आपसे ये है कि पहुँच भी क्षेत्र जहाँ बिजली की व्यवस्था ज़्यादा हो सकता तो वहाँ चिन्हित करके कोई आगे कार्यक्रम। देखो, पूर्व में पिछले साल मध्य भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ जहाँ ऐसे इलाके हैं वहाँ पर बिजली लगाने के लिए भरपूर सहयोग किया और आज वहाँ पर बिजली लगी हुई है और जहाँ जहाँ मतलब और भी बाकी होगा उसको हम पूरी करेंगे। बिजली बचत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बिजली बचत तो जनता भी कर रही है और आप हम सब लोग कर रहे हैं। सर, आज जो कार्यक्रम का आयोजित किया गया किस संबंध में? आज उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य को लेकर के बिजली विभाग के ओर से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। भारत सरकार की पहल पर हर घर बिजली जो पहुंचाई गई है उसके बारे में पूरा जो पूरी प्रक्रिया बताई गई है। यहाँ पर ढेर सारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्री जी सभी लोग यहाँ पर आए और उसमें लघु फिल्मों के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजन हुआ। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी का भी एक अपील है सभी को कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है, तो हम लोगों को बिजली बहुत अच्छी मिल रही है परंतु बिजली का हम लोग उपयोग भी आवश्यकता अनुसार करें ताकि हम लोग इसका जो आगे आने वाले समय पर जो भार रहेगा बिजली के उत्पादन में जो श्रम और धन खर्च होता है उसको भी बचा पाएंगे।